होगा, अच्छा मुस्तकबिल होगा, एक ऐसा मुस्तकबिल होगा जहाँ पर हम सही मानों में पाकिस्तान की खिदमत कर पाएंगे, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब सवाल भी दीजिएगा, ये बताइएगा, एडमिनिस्ट्रेटर लग चुके हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंटर की हालत मुकम्मल तबाह हुई थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी आए थे, उनसे भी सवाल किया गया लेकिन कोई जो है वो सही जवाब नहीं मिला, तो क्या लगता है कि आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर की हालत दुरुस्त कर पाएंगे? देखिए, नीयत तो ये है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नहीं, सारे शहर में जहाँ जहाँ मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। हर शख्स यहाँ पर आता है, वो मसाइल की बात करता है लेकिन वो अपने किरदार की बात नहीं करता कि किस तरीके से मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। इस वक्त एक बड़ी हैरतअंगेज़ सिचुएशन शहर में है कि शहर की जो तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर जिनको आप कह लें, वो किसी न किसी तरीके से हुकूमत के साथ मुंसलिक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत चला रही है, लोकल गवर्नमेंट इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए सिंध हुकूमत चला रही है, और जो वफाकी हुकूमत है वो PTI चला रही है, उसके तहत ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले चला रहे हैं। पर कराची शहर चूँकि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कैपिटल है, मुआशी कैपिटल है, तो उसके अंदर वफाक का भी उतना ही किरदार है जितना मकामी हुकूमत का है और सूबाई हुकूमत का है। बड़े लोग कहते हैं कि कराची के अंदर 33% हिस्सा है जो कि KMC के पास है या सूबाई हुकूमत के पास है, बाकी हिस्सा तो वफाकी इदारों के पास है। तो मुझे बड़ा हैरत भी होती है, दुख भी होता है कि वो लोग जो कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं वो इस तरह की बात करें। मैं 14 अगस्त की मुनासबत से ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम सबको अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रखें। कायदे आज़म का जो एजेंडा है इंसानी खिदमत का, पाकिस्तान की खिदमत का, उसको परसू करने की ज़रूरत है, और जिस तरीके से भी हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं, मामलात को हल कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। मैं समझता हूँ आज के दिन कम से कम हमें यह अदा करना चाहिए कि ज़ाती रंजिशों को, सियासी इख्तलाफात को साइड में रखें और एक अच्छे पाकिस्तान के लिए, एक अच्छे कराची के लिए, एक अच्छे सिंध के लिए हम सब अपनी अपनी जद्दोजहद और अपनी काविशें करें। जश्न आज़ादी के मौके पर तमाम अहले वतन, कौमी हीरोज वतन के रखवाले, अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों, पाक रेंजर्स पुलिस के जवानों, सिंध की आवाम समेत सिंध के तारीखी जिला जकाबाद की मोहब्बे वतन आवाम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। मनजाने ममता समाजी शख्सियत हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी। अभी जब गवर्नर साहब से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है, एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारी है। दो अलग अलग सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं, तो उन पे इख्तलाफात होते हैं। आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर कराची क्या देख रहे हैं आने वाले वक्तों में, और अभी प्रेजेंट सूरत हाल जब आप सिचुएशन संभाल चुके हैं शहर की, जो आप ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, क्या वाकई कोई ऐसी वर्किंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है? क्योंकि सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें तो वो मुसलसली कहती है कि जो वफाक के जो मामलात हैं, मतलब वफाक उनके हाथ में पैसा नहीं देना चाहती, NFC और फेडरल का जो वो है बोर्ड तश्कील नहीं दे पा रहा, तो ये सारे मामलात हैं अभी भी। और लेकिन हम दूसरी देखते हैं तो वो दावा कर रहे हैं कि हमारे वर्किंग रिलेशनशिप है मेरा गवर्नमेंट। देखिए, नेचुरली गवर्नर साहब का सिंध हुकूमत के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप तो होगा, बिकॉज वो एक आइनी ओहदे पर फाइज हैं, उनको हुकूमत की एडवाइस पर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, वज़ीर आला की एडवाइस पर अपना काम करना है, तो वो तो वर्किंग रिलेशनशिप रहती है। बट मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो PTI और पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात हैं ना वो बीच में आ जाते हैं, वो जो रंजिशें हैं वो बीच में आ जाती हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं कोई उस इख्तलाफ पर मबनी बात ना करूँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि हम इख्तलाफात को भुलाएँ और कॉमन एजेंडे पर आकर काम करना शुरू करें। देखें, आप पीपल्स पार्टी, PTI, सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, जो वफाक ने वादा किया है कराची शहर के हवाले से, वो कराची वालों का हक है, कराची वालों को वादे वफा होते हुए देखना चाहिए। तो अगर वफाकी हुकूमत ने कहा था कि कराची को 162 अरब रुपए देंगे, तो वो 162 अरब रुपए हमारे शहर पर लगने चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत ने कहा था कि 1100 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने तय किया है, तो वो 1100 अरब रुपए लगने चाहिए। जो कराची के ज़िला मलिर के पैसे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जमा है, वो पैसे कराची शहर में लगने चाहिए। जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि माजी में जब इस शहर के अंदर कहते हैं ना कि बड़ी डेवलपमेंट हुई, नंबर बार को ये बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने,
सिटी हुकूमत ने और जो वफाकी इदारे शहर में हैं यानी कि केपीटी हो गई, पोर्ट कासिम हो गई, उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया था ताकि अब शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकें।